ठीक है जी। अब जरा ये देखिए आप लोग, हमारे को आज पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, गुडविल के बारे में पढ़ना है। गुडविल के बारे में इससे पहले चैप्टर नंबर सेकंड में तो आप पढ़ ही चुके हैं, गुडविल क्या होती है, उसके क्या वैल्यू है, ये तो आप पढ़ चुके हैं ना। अब आपको क्या पढ़ने को मिलना है ये सीखना है। अब हम ये क्या आ गया अचानक, ये आ गया जो मैं सामने लिखने जा रहा हूं। बोलो ये कितने पार्टनर हैं, बोलो आप कितने हो गए, ये तीन क्यों हो गए, शाबाश, क्योंकि एडमिशन हो गया। तो जब एडमिशन होता है तो प्रॉफिटिंग रेशियो बदल जाती है, और जब जब प्रॉफिटिंग रेशियो चेंज होगी, जब जब प्रॉफिटिंग रेशियो, तब तब गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि क्यों करना पड़ता है। तो इसका जवाब है कि जब आप दो पार्टनर्स हो और आप बैठकर क्या खा रहे हो, बताओ, डोसा खा रहे हो, मिस्टर ए और मिस्टर इनकी फिल्म में कौन आ गया, सी। अब सी जो ये पहले 3:2 की रेशो में थे ए और बी, अब उस हिस्से को कम हो गया और वो हिस्सा सी के साथ बांटना पड़ रहा है। तो सी के आने से इन ए और बी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इनका शेयर कम हो रहा है। तो ये कम करेंगे कब, जब सी बदले में इन्हें कोई क्या देगा, गिफ्ट। जब सी इनके इस लॉस को पूरा करेगा तभी ए बी मानेंगे, और अगर सी इस लॉस को पूरा नहीं करेगा तो ए बी नहीं मानेंगे। तो सी इस लॉस को कैसे पूरा करेगा, गुडविल के वैल्यूएशन से। जैसे मान लीजिए फर्म की गुडविल है 40,000, कितनी है, तो अगर सी 1/4 के लिए आ रहा है तो इसका मतलब है कि सी 40,000 का 1/4 इनको देगा, किनको देगा, पार्टनर्स को देगा, सभी को देगा। क्या ए और बी दोनों को देगा, नहीं, जो इन दोनों में से सी को अपना हिस्सा देने के लिए तैयार है वो सिर्फ उसको देगा। अगर ए बी में से कोई पार्टनर हिस्सा देने को तैयार नहीं है तो सी इसका शेयर उसको नहीं देगा। ये बात सबकी समझ में आ गई, बोलो। तो यानी जो सेक्रीफाइस करेगा गुडविल का पैसा उसे मिलेगा, जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा उसे गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा, जो सेक्रीफाइस ज्यादा करेगा उसे गुडविल का पैसा, जो सेक्रीफाइस कम करेगा उसे गुडविल का पैसा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, तो सिंपल चैप्टर खत्म हो गया। अब हमें बात समझ में आ गई, हमने बात का जूस निकाल लिया कि नया पार्टनर जो आता है वो गुडविल का पैसा इसलिए लाता है क्योंकि वो उन पार्टनर्स को देगा जो उसको अपना शेयर देने के लिए तैयार है। ये बात सबकी समझ में आ गई, बोलो। तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसे ही गुडविल का पैसा मिलेगा, जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा उसे गुडविल का पैसा। तो यानी इस टोटल इस रिलेशन में कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर ले रहे हैं और गेनिंग पार्टनर्स गुडविल का हिस्सा दे रहे हैं। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई। चलो अब देखें, यानी अगर मान लीजिए सभी स्टूडेंट देखिए, गुडविल है 40,000 और सी को आपने 1/4 शेयर के लिए बुलाया, कितने को बुलाया, तो अब ऐसी हालत में सी कितने पैसे लेकर आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सी शेयर ऑफ, और वो कितनी हो गई, अब ये पैसा कौन लेकर आएगा, सी लेकर आएगा, और किसको देगा, ठीक है, ए और बी की जो रेशो थी वो ओल्ड रेशो थी 3:2, क्या थी, तो अब सी को जो 1/4 मिल रहा है उसमें से ए बी कितना कितना देंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या मानेंगे, क्या सी को अपना 1/4 इक्वल मिल रहा है, क्या आप ये मानेंगे, क्या सी को अपना शेयर ए बी से इक्वल मिल रहा है, नहीं, क्योंकि आप लोग प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन करके आए हुए। लास्ट वीडियो क्लास में
मैंने क्वेश्चन को करवाया था दूसरे मेथड से, जो क्वेश्चन नंबर वन का एक नया तरीका था, तो उसमें आप सीखे थे कि जो नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर आता है उसे अपना हिस्सा बाकी पार्टनर से मिलता है, और जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो ये मान लेते हैं हम कि ये उसी रेशो में मिल रहा है जिस रेशो में पुराने पार्टनर प्रॉफिटिंग रेशो शेयर कर रहे थे। दे वर शेयरिंग इन 3:2, सो दे आर सेक्रीफाइजिंग इन सेम रेशो 3:2। तो इसका मतलब 1/4 किस रेशो में मिल रहा है, 1/4 किस रेशो में मिल रहा है, तो इसलिए ये जो 10,000 ला रहा है ये उसी रेशो में उनको देगा। बात समझ में आ गई? अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, तो सीधी सी बात है, डोसा किसका है, ए का, और कौन पार्टनर आ रहा है, सी। डोसा लेने के बदले में क्या देगा उन्हें, गिफ्ट देगा, देगा नहीं देगा, तो वो किसको देगा वो गिफ्ट, जो डोसे में से अपना हिस्सा देगा। अगर दोनों ने इक्वल डोसा दिया तो सैक्रिफाइस इक्वल है, तो गुडविल भी वो सैक्रिफाइस रेशो में देगा, नहीं इक्वल रेशो में देगा। अगर किसी ने ज्यादा गुड डोसा दिया अपने हिस्से में से और किसी ने दूसरे पार्टनर्स ने कम हिस्सा दिया तो वो उसी रेशो के अनुपात में अपना गुडविल का पैसा उन्हें देगा। ये बात समझ आ गई? तो यानी इन क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना है और हमें सैक्रिफाइजिंग रेशो निकालनी है। क्या निकालनी है? दूसरा निकालना क्या है, गुडविल का शेयर, और फिर उसके बाद कार्य करना। तो इन क्वेश्चन में स्टेप नंबर वन क्या हो गया, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइजिंग रेशो और गेनिंग रेशो। फिर क्या निकालेंगे कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके हिस्से की गुडविल कितनी बनती है, और फिर करेंगे। बोलो ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पर कितने पैसे ला रहा है वो, तो देखो जरा इसकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। पहले केस, जनाब गुडविल का पैसा ला रहे हैं, ठीक है, व्हेन सी ब्रिंग्स, शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब सी गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो क्या गारंटी करेंगे आप, ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश बट ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, विड्रॉज गुडविल। जब पुराने पार्टनर गुडविल को क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, यानी कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाकर तुम्हें देता है। अब तुम्हारे सामने दो चॉइस है, पहली चॉइस उस पैसे को आप ऑफिस के कैश, ऑफिस के तिजोरी में ही, ऑफिस के स्ट्रांग रूम में ही रख दो, या ऑफिस के बैंक अकाउंट में रख दो, यानी जब तुम अपने घर गए तो आने वाली गुडविल का पैसा कहां पर रखा हुआ है, ऑफिस के कैश में रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, एक केस तो ये बनता है, तो ये बन गया फर्स्ट। दूसरा, आपने कहा जब मैं घर जा रहा हूं तो मैं अपने हिस्से की गुडविल जो मुझे मेरे नए पार्टनर ने लाकर दी है मैं उसे ऑफिस में नहीं रहने दूंगा, मैं उसे ऑफिस के कैश अकाउंट में नहीं रहने दूंगा, मैं उसे ऑफिस के बैंक अकाउंट में नहीं रहने दूंगा, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा, तो ये हो गया विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। क्या हो गया, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस से जब वो निकाल लेते हैं, ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा और भी कोई केसेस हो, हाँ जी हो सकते हैं, वो ये केसेस हो सकते हैं कि जो 10,000 अमाउंट है ये कैश में नहीं ला रहा, इसमें नहीं ला रहा, कैश में नहीं ला रहा, वो 10,000 में कैश के बजाय उसने क्या करा, 2,000 रुपए का फर्नीचर पकड़ा दिया, 2,000 रुपए के डेटर्स पकड़ा दिए, 3,000 रुपए के बीआर पकड़ा दिए, यानी किस में ले आया बोले तो काइंड में, वस्तुओं में, किस में ले आया, वस्तुओं में ले आया, किस में ले आया, वस्तुओं में ले आया। ये बात क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट्स को? तो तब भी कोई एंट्री में फर्क नहीं आना, याद होगा 11th क्लास की पहली गारंटी, बताइए 11th क्लास की पहली गारंटी क्या है, बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, याद है आप लोगों को? तो आप ये समझो कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन आपने ये भी करा था कि कभी कभी नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ कैश और अपने साथ स्टॉक वगैरह भी ले आता है,
तो 11th क्लास में क्या गारंटी बनाते थे आप लोग? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो जो ला रहा है, तो वो 11th वाली एंट्री यहां पर भी तो ऐसी बन सकती है। ये जनाब 10,000 रुपए कैश और स्टॉक मिला रहे, तो आप गारंटी क्या बनाएंगे? कैश डेबिट, स्टॉक डेबिट। क्लियर हो गई? तो इसी में वो कैश या काइंड किस में भी लाए, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो नया पार्टनर आ रहा है और जो पैसा है वो बिजनेस में ही है, जो पैसा है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंड इट रिटेन इन बिजनेस, बिजनेस ये बिजनेस में ही रहता है, बिजनेस में ही रहा या रहता है, जैसे मर्जी बोल दीजिए आप। इट बोले तो उसका लाया हुआ गुडविल का पैसा, उसका लाया हुआ, पहला केस। और दूसरा केस जब वो गुडविल विड्रॉ कर लेता है। बोलो क्लियर हो गया? इसके अलावा और क्या केस हो सकता है? इसके अलावा और केस हो सकता है कि उसने 10,000 रुपए लाने, तो मान लीजिए वो कुछ लाया और कुछ नहीं लाया, कुछ तो ला रहा है, 10,000 में से 7,000 ला रहा है, और 3,000 के लिए वो कह रहा है सॉरी मैं अभी नहीं ला सकता, मैं बाद में एडजस्ट कर लेना या कुछ और एंट्री कर लीजिए। तो यानी केस नंबर थर्ड हो गया वो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली ए पार्ट ऑफ हिज शेयर, पार्ट ऑफ हिज शेयर एंड फॉर बैलेंस, और जो बच गया ही इज अनेबल, वो अभी क्या है? अनेबल है। किसके लिए? बैलेंस के लिए वो अनेबल है, यानी जो बच गया उसके लिए वो अभी ला नहीं पा रहा है, ही इज अनेबल, अयोग्य है, अभी नहीं ला पा रहा, ही इज अनेबल टू ब्रिंग, नहीं ला पा रहा है अभी। केस फोर्थ भी हो सकता है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं ला रहा, उसने कहा जी देखो पार्टनर तो बन जाऊंगा पर गुडविल के पैसे भी जेब में नहीं है, और बाकी पार्टनर ने तब भी उसे बना लिया, समझ में आ रहा है? तो यानी व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग, ठीक है, हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब वो अपने हिस्से गुडविल लाता ही नहीं है, टोटली सारी नहीं ला रहा 10,000 रुपए, समझ में आ गया? और एक ये भी आपसे क्या कर लूं, छुपा लूं, तो उसे कहते हिडन गुडविल। और मैं आपसे क्या कहूं? मैं आपसे ये कहूं कि पहले तो इसे ढूंढो और फिर गारंटी बनाओ। हिडन गुडविल, हिडन का मीनिंग क्या होता है? गुप्त, छुपा हुआ, गुप्त गुडविल, रहस्यमय गुडविल। तो देखो चाहे केस कोई भी हो पर सभी केसेस में एक ही बात करनी है बेटा, कि सैक्रिफाइजिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलना चाहिए, सारे केसेस में एक ही इफेक्ट आना है। क्या इफेक्ट आना है? जो सैक्रिफाइस करेगा उसे गुडविल में पैसा मिलेगा, अगर नया पार्टनर पैसा नहीं ला रहा तब भी मिलेगा। ये बात सबको क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्या सीखे आप लोग कि सभी केसेस का क्या इफेक्ट रहना है? सेक्रेटरी पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलना ही मिलना है चाहे केस कोई भी हो। तो फिर सभी केसेस से क्या फर्क आना है? फर्क आना है उनके स्टार्टिंग में, कोई पैसा ला रहा है तो अलग, पैसा नहीं ला रहा है तो अलग, ठीक है, वो थोड़ा बहुत पैसा ला रहा है, थोड़ा बहुत पैसा नहीं ला रहा है तो अलग। लाने की एंट्रीज चेंज हो जाएंगी लेकिन जो देने की एंट्रीज है, गुडविल ट्रांसफर करने की एंट्री, वो ऑलमोस्ट एक जैसी रहेंगी। तो आज की क्लास में हम लोग पहला और दूसरा केस करने की कोशिश करेंगे, और आने वाली क्लासेस में हम बाकी केसेस निपटाएंगे। इससे क्या सीखने को मिल रहा है? इससे ये सीखने को मिल रहा है, आप साथ साथ उतारते जाइए, मेरी बात सुनते जाइए, इससे ये देखने को मिलेगा बच्चों कि जो एडमिशन चैप्टर के क्वेश्चन हैं, उन जो ये वाले क्वेश्चन गुडविल के हैं, ये तो है ही, आगे आखिर तक के, आखिर तक के बोले तो लास्ट तक के कितने क्वेश्चन है बताओ,
100 क्वेश्चन है, कितने हैं? तो लास्ट तक के जो 100 क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन में इनमें से कोई ना कोई केस मौजूद मिलेगा आपको। किसी क्वेश्चन में क्या बोलेगा वो कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है और बिजनेस में ही रिटेन रहा है। किसी क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया और ओल्ड पार्टनर्स में से जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे जिन्होंने गुडविल ली थी उन्होंने वो विड्रॉ कर ली। किसी क्वेश्चन में क्या मिलेगा कि वो जो नया पार्टनर गुडविल का कुछ पैसा लाया है कुछ पैसा नहीं लाया है। किसी क्वेश्चन में क्या पढ़ने को मिलेगा कि जो नया पार्टनर है जो गुडविल का पैसा उसे लाना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं लाया उसमें से, और किसी क्वेश्चन में आपको हिडन गुडविल मिलेगी। सही है? तो यानी अभी सीखे तो इसका मतलब भूलना नहीं है, क्योंकि आखिर तक जो 100 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है आपके, उसमें ये सभी केसेस बार बार आएंगे, तो ये भूलने वाली चीज नहीं है, ये याद रखने वाली चीज है। अब सवाल उठता है सर वो जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं जो अभी अभी हमने पिछले 2-3 वीडियो क्लासेस में किए हैं वो भूल जाए? तो जवाब है भूल जाओ। तो तुम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लोगे? बताओ, इनको करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए पुराना वाली जो नॉलेज है वीडियो क्लास नंबर 1, 2, 3 वो क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। तो यानी जो सीख रहे हो सब भूल जाओ है ना? नहीं ना, याद रखना, वरना 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है? अब कॉपी हो गया होगा मेरी बातें सुनते सुनते? नहीं, और बोलूं इतने में? स्टूडेंट्स कह रहे हाँ सर और बोलो। हो गया स्टूडेंट्स? अब जरा ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों को जो ऊपर नजर आ रहा है इसी को हम केस नंबर फर्स्ट से करेंगे और केस नंबर सेकंड से करेंगे। ठीक है? यानी ये जो 10,000 रुपीज सीख मनप्रीत बड़ा हिल रहा है तू आज, क्या बात है? हमारा कैमरा गिराएगा? देखिए जी सभी स्टूडेंट सामने देखिए, दोनों मान रहा हूं केस फर्स्ट में और केस फर्स्ट में क्या है गुडविल क्या आई है? गुडविल कैश में आई और रिटेन इन बिजनेस, चलो रिटेन इन ऐसे लिख लेते हैं। ब्रिंग इन एंड बिजनेस से क्या कर विड्रॉ कर लिए। ठीक है? बोला करो, बोलने से क्या हम लोगों को भी एनर्जी आती है, टीचर्स को भी एनर्जी आती है, और जो बच्चे बैठे हुए होते हैं यहां पर या वीडियो क्लासरूम में उनकी सुस्ती भागती है और वो फिजिकली पंख लगा के क्लास से बाहर नहीं भागते, वो फिर क्लास के अंदर ही रहते हैं। दोनों केसेस में पैसा तो आया है ना बच्चों? तो देखो अब कैश अकाउंट क्या लिखेंगे, 10,000 जितना वो, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कैपिटल के 50,000 रुपए लाया तो फिर कितने लिखेंगे आप लोग? कैश अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज। कितने लिखेंगे भाई? कैपिटल प्लस प्रीमियम। ये किस बात का पैसा है? भी कहते हैं जिसे क्या कहते हैं, और प्रीमियम के पैसे को प्रीमियम में लिखेंगे, टू प्रीमियम या टू गुडविल अकाउंट 10,000। और जो कैपिटल का पैसा 11th क्लास में आपने सीखा था कैश टू कैपिटल, यस सी, ये तो लिख देंगे। कई क्वेश्चन में कैपिटल नहीं लिखी हुई तो आप
डेबिट से भी कैपिटल गायब कर दो और क्रेडिट से भी कैपिटल गायब कर दो, यानी वो आया और कैपिटल नहीं लेकर आया। तो जब कैपिटल लेकर ही नहीं आया तो फिर जरेंटी तो पास ही नहीं होगी। 11th क्लास में एक बात सीखी थी हम सब ने कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है तो जरेंटी नहीं बनती। जब वो कैपिटल लेकर ही नहीं आ रहा तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ही नहीं, और जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है तो फिर जरेंटी भी नहीं है। ये बात क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट्स को? उस केस में भी यही एंट्री बनेगी स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या आएगा 10,000 प्लस और ये 10,000 और ये कैपिटल। बोलो सही है? ये बात तो क्लियर हो गई। थोड़ा आगे चलते हैं, इससे ये तो पता लग रहा है कि फर्म में पैसा आ गया, पर अभी ये पता लग रहा है कि सैक्रिफाइजिंग पार्टनर को मिल गया नहीं, तो अभी सैक्रिफाइजिंग पार्टनर को देना है, अभी देंगे। मैं ये और साथ साथ करवा दूं कि मान लो वो लेकर आया साथ में फर्नीचर, मान लो वो लेकर आया साथ में डेटर्स, तो यहां पर आप वो काइंड देना, क्या लिख देना कि स्टॉक डेबिट डेटर्स डेबिट जो भी ला रहा है ये बात। अच्छा, पहली एंट्री क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट दूसरी एंट्री है कि जो पैसा आया है वो उन लोगों को दे दो जिनका हक है। ये प्रीमियम का पैसा किसका हक है? ये प्रीमियम का पैसा किसका राइट है? तो ये उनको दे दो, जितने से प्रीमियम क्रेडिट कर दिया है अब डेबिट कर दो। प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से? टू। सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कौन है इस क्वेश्चन में? अगर इन्होंने अकाउंट खोले हुए हो ना तो फिर करंट अकाउंट लिखना, टू ए करंट अकाउंट और टू बी करंट अकाउंट। यहां पर बांटा हमने गलत, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में, कौन सी रेशियो में? अब ये वाला केस कौन सा था? बिजनेस में ही पैसा रहा तो यहां पर एक केस खत्म हो गया, क्योंकि ये पैसा बिजनेस में ही है। ये कैश अकाउंट किसका? बिजनेस का है तो बिजनेस में पड़ा रहा। ये कौन सा केस है? बिजनेस से निकाल लिया। तो अब ये जो बिजनेस का कैश अकाउंट है, पैसा निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसे? और आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा था कि जब ड्राइंग्स होता है तो या तो ड्राइंग डेबिट कर देते हैं या कैपिटल डेबिट कर देते हैं। पैसा अभी कैपिटल में है, कहां पर है? तो कैपिटल डेबिट करो। अगर करंट में होता तो करंट डेबिट कर देते या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देते। तो थर्ड एंट्री ठीक है फॉर ऑन ऑफ गुड निकाल लिया, किस किसने निकाला है? तो फिर उन्हीं को डेबिट कर दो जिन्होंने, जिनको मिला था। मान लो बी को ना मिले तो क्या उसे भी ड्राइंग करवाओगे? नहीं, तो वही निकालेगा ना जैसे मिली है। टू क्वेश्चन में कहेगा आज गुडविल निकाले, कितने निकाल ली? 3000 का आधा 3000 और 4000 का आधा 2000 और 10000 का आधा 5000। बोलो यहां तक सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? दो केस मैंने बोले थे खत्म। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपकी बुक्स में है हम वो करेंगे, फिलहाल इसे कॉपी कर लीजिए।
फोर्थ क्वेश्चन में गुडविल के ट्रीटमेंट पर, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा था क्योंकि कोई लिखने का कोई पर्पस नहीं था इसलिए नहीं लिखा। आइए देखें जरा 17 हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि नया पार्टनर आया है, 10,000 गुडविल का पैसा लेकर आया है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहा है पर चुपचाप दे रहा है। चुपचाप का मतलब वो नहीं चाहता कि बुक्स में आए, वो नहीं चाहता कि वाइट ट्रांजेक्शन में आए, वो चुपचाप दे रहा है। तो ऐसी हालत में चुपचाप की गारंटी क्या होती है? चुपचाप की गारंटी बस चुपचाप ही डेबिट और चुपचाप ही क्रेडिट, यानी कोई डेबिट नहीं कोई क्रेडिट नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि बुक्स की बुक्स में तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई नहीं ना, बुक्स में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती तो लिखते, जब बुक्स में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई नहीं तो क्यों लिखे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कहते हैं कि दो पार्टनर हुआ करते थे ए और बी, 2:1 की रेशो में, सी आ गया 1/5 शेयर के लिए, कितने के लिए आ गया, और गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट फुल वैल्यू 15,000 को अंडरलाइन कर लीजिए। ये पढ़ाना है अभी पढ़ाएंगे। सीज टू पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल व्हिच ही पेज टू ए बी प्राइवेटली, अंडरलाइन करें प्राइवेटली। इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है ये कि सी को देना तो है पैसा, कितना देना है, प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब जितने का उसे आप पार्टनर बनाओगे, आप उसे 1/4 का पार्टनर बनाओगे तो वो 1/4 देगा, उसे आप 1/5 का पार्टनर बनाओगे तो 1/5 देगा। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में एक बात कह गया, कहने वाला क्या कह गया, प्राइवेटली कह गया, तो अब गारंटी कोई बनाने की जरूरत नहीं, सही है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को याद कराने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 3 जिसमें आपको गुडविल की एंट्रीज हमने कराई थी और उसमें बताया था कि गुडविल जो है अगर पहले से अपीयर हो, क्या हो, पहले से अपीयर हो, तो फिर ऐसी हालत में जब नया पार्टनर आता है तो पुराने खातों को बंद कर देते हैं, पुराने खाते अकाउंट्स को बंद बंद करने का मतलब क्लोज, क्लोज का मतलब रिटर्न ऑफ कर देते हैं। रिटर्न ऑफ का हिंदी मीनिंग भी होता है मिटाना। ये मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, और जब मैं इसे मिटाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, राइट ऑफ कर रहा हूं, लेहे को मिटाना। तो इस क्वेश्चन में गुडविल पहले से कितने की थी, अब बताइए मुझे कि आपको गुडविल रिटर्न ऑफ के लिए हमने क्या लिखवाया था, बताइए। गुडविल रिटर्न ऑफ की गारंटी क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, एक बच्चे ने कहा, बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब है। मैंने जानबूझ के आप लोगों को बताया ये, क्योंकि उधर भी कुछ बच्चे जवाब दे रहे होंगे तो उनको भी पता लगना चाहिए कि किसका गलत है। स्टूडेंट्स, गुडविल मिटाने के लिए आप एसेट्स को मिटा रहे हो, किसको मिटा रहे हो, और एसेट्स मिटती कैसे है, एसेट्स घटती कैसे है, एसेट डिक्रीज कैसे होती है, एसेट डिक्रीज होती है बताओ कैसे, डेबिट करने से या क्रेडिट करने से, क्रेडिट करने से, 11th में याद है आप लोग, तो इसलिए गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, वो खाता क्रेडिट हो जाएगा जिसको आप मिटाने चाहते हो, अगर वो एसेट्स है तो, अगर वो एसेट्स है तो चूंकि गुडविल एसेट्स है तो गुडविल को क्या करेंगे आप, क्रेडिट। तो डेबिट कौन, ओल्ड पार्टनर, पुराने क्यों, क्योंकि पुराने गुडविल पुराने ही पार्टनर्स में राइट ऑफ हो गया, तो गारंटी क्या बन गई, पुराने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पुरानी गुडविल, और किस रेशो में, पुरानी रेशो में, तीनों चीजें ओल्ड ओल्ड ओल्ड, तीनों ओल्ड ओल्ड ओल्ड, तो क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल अकाउंट और ओल्ड प्रॉफिटिंग रेशियो। ये बात सबके समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स, 15,000 रुपए से आप क्रेडिट कर देंगे ए और बी में, और किस रेशो में, 2:1 में, बोलो करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए, आ गए। कहता है 18 कहता है ए बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस 2:5 में, किस रेशो में, सी आ गए और 14,000 लेकर आए हैं, कितने पैसे लेकर आए हैं, इस शेयर गुडविल इन कैश टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी, जो ए और बी में बांटा जाएगा, किस रेशो में, अब ये नहीं बताया, तो जब तक नहीं बताएगा तब तक मैं पुराना ही सैक्रिफाइस मानूंगा, जब तक नहीं बताएगा क्या मानूंगा, ठीक है। कहता है
सी शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट लॉस विल बी 1/4. सी का शेयर फ्यूचर में क्या रहेगा? ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट रेशियो? नई प्रॉफिट रेशियो क्या होगी? तो ये तो आप निकाल लेंगे, अभी अभी आप लोग स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चन करके आए हैं. और क्या कहता है? व्हाट अमाउंट गुडविल ब्रॉट इन सी विल बी रिसीव्ड बाय ए बी. तो ए बी को क्या मिलेगा? तो जो गुडविल आई है वही मिलेगा. किस रेशियो में मिलेगा? इसमें गारंटी तो मांगी नहीं है, तो गारंटी तो नहीं बनानी है. बस आप सीधा सीधा कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल देंगे और फिर उसके बाद लिख देंगे कि ए शेयर ऑफ गुडविल और बी शेयर ऑफ गुडविल. क्या निकालेंगे? कितना निकालेंगे? 14,000 का 2/7 2/7 और 14,000 का 5/7 5/7. और ये आपका आंसर होगा. पर फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, रिटेन इन बिजनेस या विड्रॉन फ्रॉम रिटेन इन बिजनेस, अगर गारंटी मांग ले कोई तो क्या बनानी पड़ेगी? कैश डेबिट कितना? 14,000. टू प्रीमियम कितना? 14,000. प्रीमियम डेबिट 14,000. टू किस रेशो में? 2:5. बोलो हो जाएगा. चलिए अब 19 क्वेश्चन पर आ जाइए. 19 क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें. कितने पार्टनर्स हैं बोलो? जो उधर वीडियो क्लास से ले रहे हैं वो भी बोलो. दो पार्टनर. रेशो बताइए. सी को आ गया है. कितने सी के लिए, कितने शेयर के लिए आए? कहता है सी ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल. अब इस क्वेश्चन में सी कैपिटल भी ला रहा है. क्या ला रहा है? कितनी ला रहा है कैपिटल? और प्रीमियम भी ला रहा है. कितनी ला रहा है प्रीमियम? कितना प्रीमियम? दोनों कितने हो गए? तो सामने देखिए, यानी इसका मतलब ये 40,000 हो गया. 40,000 हो गया. उसमें से 10,000 किसमें ट्रांसफर करेंगे? उसमें से बाकी 30,000 गारंटी क्या बन जाएगी बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल में उसका पार्टनर का नाम लिखना मत भूलना. ठीक है, आगे चलो. पिछली 11th क्लास में हम नाम नहीं लिखवाते थे, अब क्यों लिखवाते हैं? हाँ, इस बच्चे ने कुछ अच्छा जवाब दिया. हाँ बोलो. क्योंकि 11th क्लास में पार्टनरशिप नहीं थे. अकेला हर बिजनेस में, हर क्वेश्चन में एक ही आदमी था, हर क्वेश्चन में एक ही पार्टनर था. हर क्वेश्चन में क्या था? एक ही पार्टनर था, मतलब एक ही मालिक था. पार्टनर तो एक ही होते, दो होते हैं हमेशा, प्लूरल है. तो 11th में जो भी था वो सब क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप. इसलिए कैपिटल कैपिटल ही थी. उसके आगे नाम लिखने की जरूरत होती नहीं थी क्योंकि वो एक ही आदमी की है. पर अब क्या हो गया? तो अब उसके बताना पड़ेगा किसकी कैपिटल, तो इसलिए नाम लिखने पड़ते हैं. कहते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ एनबी 3,000. अंडरलाइन कर ले. गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी 3,000. इस लाइन से क्या पता लगता है मुझे बताइए. इससे पता लगता है कि उनके आने से पहले उनकी पुरानी बुक्स में, पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल हुआ करती थी. कितने की होती थी? कितने की? 3,000 की. तो अब बताओ क्या करेंगे? इसे राइट ऑफ कर देंगे. क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे. बोलो समझ में आ गया? तो गुडविल को क्या कर देंगे आप लोग? राइट ऑफ कर देंगे. हो गई राइट ऑफ. गुडविल राइट ऑफ कैसे होती है? डेबिट करने से या क्रेडिट करने से? अभी अभी सीखा था एसेट्स क्रेडिट करने से होती हैं. एसेट्स तो गुडविल को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट. डेबिट किसे करें? ओल्ड पार्टनर्स को. नाम क्या है उनके? तो गारंटी क्या बन गई? ए डेबिट बी डेबिट. कितने से और किस रेशियो में? ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो. याद आया? ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगी. तो इन दोनों के करने से पहले एक एंट्री हो जाएगी. इन दोनों के एंट्री करने से पहले एक एंट्री हो जाएगी. क्या एंट्री हो जाएगी? हाँ जी, राइट ऑफ करने की. उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? पैसा मंगाने की. उसके बाद उसकी अगली एंट्री क्या होगी? ट्रांसफर करने की. कौन सी? देखो, ट्रांसफर करने की एंट्री वो बोलेगा? नहीं बोलेगा. ये आपने करनी है, ये आपका डिसीजन है. वो कभी नहीं बोलेगा, वो कभी नहीं बोलेगा ट्रांसफर करो. ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, हाँ ट्रांसफर करना है.
तो कितना पैसा ट्रांसफर करना बोलो, 10,000 किसको करना है, तो गारंटी क्या बन गई? हाँ जी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और किस रेशियो में? सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में? जरा क्वेश्चन में देखो, सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैसे निकालोगे आप लोग? इसमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट? क्योंकि ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है, इसलिए इसलिए क्या बनाना पड़ेगा? तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने से पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ रहा है। वर्किंग नोट बना के सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है। पहले 16 क्वेश्चन किए थे आपने, उस तरीके से सैक्रिफाइस रेशियो निकल जाएगी और फिर गुडविल उस रेशियो में बढ़ जाएगी। बोलो करेक्ट है? हो पाएगा आप लोगों से? तो अभी आज मैं यहीं पर क्लास को फिनिश कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूंगा। उसमें से कुछ होमवर्क हो सकता है आपसे हो, कुछ हो सकता है ना हो, घबराने की बात नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बहुत से क्वेश्चंस हम बोर्ड पर करने वाले हैं। फिलहाल इस बुक के हिसाब से मैं आप लोगों को जो होमवर्क देना चाहूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 17-18। और आप प्लीज क्वेश्चन करेंगे विद नरेशन। विद नरेशन क्यों? क्योंकि तुम 12th वाले हो, तुम्हें नरेशन लिखनी है, याद भी करनी है और पेपर में भी लिख कर आनी है। तो बार बार लिखोगे तो अभ्यास हो जाएगा, ठीक है? पेपर में नंबर किसके आते हैं? जिसको पूरी नॉलेज होती उसके कैसे नंबर आते हैं? नहीं बेटा, ये भी गलत जवाब है। जिसको नॉलेज होती है उसको नंबर आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी उसकी है जो उस नॉलेज को 3 घंटे में पूरा कर सके। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप 5 मिनट में कर देंगे, आप 15 मिनट में कर देंगे, आप कह रहे जी मैं तो कर लाऊंगी, चाहे 1 दिन लग जाए लेकिन कर लाऊंगी, अपनी मेहनत से करके लाऊंगी। बात समझ आ गई? तो नॉलेज तो तीनों को ही है ना, पर सीबीएसई वाले में किस जो है वो 100 में से 100 किसके आएंगे? जो उस नॉलेज को 3 घंटे में कंपाइल कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है। यानी नॉलेज के साथ क्या चाहिए? साथ में स्पीड। और नॉलेज स्पीड में कब चेंज होती है? जब नॉलेज कई बार दिमाग में रिवाइज हो जाए। जब नॉलेज क्या हो जाए? बेटा क्या नाम है आपका? हाँ जी, सूरज है ना? नाम बेटा, एक टेबल पूछूंगा जरा बताना, 2 2 23 5। अब देखो नहीं बता पा रहा ना बेटा ये। हाँ जी, 4 3 है, अच्छा, और 13 7 नहीं बता पा रहे ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नॉलेज बार बार होती है, जब ज्यादा बार अभ्यास करा हुआ है, वो उसमें स्पीड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? वो स्पीड के साथ आ जाती है, तुरंत आंसर आएगा स्पीड में। और अब चूंकि टाइम पास हो चुका है तो अब ये दोनों बच्चे उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन अब वक्त गया, इतना तो आता ही है, 12th में है ये लोग, लेकिन उसी समय आंसर नहीं दे पा रहे थे। तो नॉलेज को बार बार रिवाइज करने पर उसमें एक चीज और आ जाती है। क्या आ जाती है फिर उसमें? स्पीड आ जाती है। और फिर यानी इसका मतलब नॉलेज के साथ स्पीड बनानी है, और स्पीड तब बनेगी जब मोटे मोटे रजिस्टर भरोगे। जब रजिस्टर मोटे मोटे भरोगे, साल भर में कम से कम 8-10 रजिस्टर मोटे मोटे भर जाएं। समझ में आ गया? जब लिख लिख कर करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। समझ में आ गया? कैसे करना है, कैसे नहीं करना है? बोल बोल कर नहीं करना है। बोल बोल कर क्लास में चलता है, पर घर पे बोर्ड में रजिस्टर भरने हैं। जीतेगा कौन? रजिस्टर भरने वाला, ठीक है? इलस्ट्रेशन 16 से 22, ठीक है स्टूडेंट्स? इलस्ट्रेशन में हो सकता है आप थोड़ा सा फंसो, लेकिन कोई बात नहीं, फंसा रहा हूं जानबूझ के।